रोशन आया हुआ था, बोला चलो थोड़ा सिलवासा वगैरह घुमा दे। तो ये वार्ली पेंटिंग है, जैसे अपने यहाँ होता है ना मधुबनी पेंटिंग, बिहार से लगभग कुछ 1800-1900 किलोमीटर दूर है। और सोच लो ये सतमालिया डियर पार्क है, मतलब हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और कुछ ज़्यादा खास नहीं, क्योंकि आज बाहर बारिश भी है, धूप भी है, क्या कर सकते हैं। तो बाहर आज हम लोग दादरा एंड नगर हवेली का ऐसे ही घूमने निकलते हैं, साथ में दो लोग और जा रहे हैं। अगर बारिश अगर यार छूटा तो यार आप लोग को बाहर ज़रूर दिखाएंगे, नहीं तो यार कार में बैठे बैठे ही यार चलो यार कुछ तो सीन दिखाएंगे। पर साथ में कौन जा रहे हैं वो आपको अभी नहीं, लेकिन आगे वीडियो में पता चलिए। तो यार वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक देखना, कुछ ना कुछ तो मज़ा आएगा ही आपको। चलो फिर आगे मिलते हैं। DT-01 राइडर। तो पहली बात तो अभी तो थोड़ा कम जाना माना हो, अभी मुझे भी एक साल हो गया है यूट्यूब पे आए हुए। तो बाकी तो बिहार से बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट मिला है, तो बिहार ने तो बवाल मचा रखा है। और वैसे सभी का स्वागत है दादरा एंड नगर हवेली में। रोशन आया हुआ था, बोला चलो थोड़ा सिलवासा वगैरह घुमा देते हैं। तो यहाँ के बारे में बता दूँ, बिहार से लगभग कुछ 1800-1900 किलोमीटर दूर है। और सोच लो मेरा राइड होने वाला है बिहार का, कभी ना कभी, तो आज नहीं तो कल। तो यहाँ के बारे में ये बता दूँ, ये जगह जो है टूरिस्ट प्लेस के लिए जानी जाती है। टूरिस्ट प्लेस बहुत सारे हैं यहाँ पे, ग्रीनरी वगैरह, माउंटेन लेक, टूरिस्ट प्लेस, गार्डन, ये वो सब समझ जाओ अभी। फिर वैली वगैरह ये वो, फिर राइडिंग वाइडिंग के लिए बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ रोड ही इतने सारे कर्व्स वगैरह हैं। तो टूरिस्ट ऑल ओवर इंडिया से यहाँ आते ही है घूमने के लिए। और रेनी सीजन में तो और बवाल चीज़ दिखता है, ये पूरा ग्रीन ही ग्रीन। रोशन के कोई ना कोई ब्लॉग में ड्रोन शॉट वगैरह हम लोग डालेंगे यहाँ का, तो आप लोग देखना ड्रोन शॉट वगैरह भी यहाँ का, क्या बवाल दिखेगा ना, मज़ा आ जाएगा। तो जैसे सपोर्ट कर रहे हो, अभी रोशन ने ब्लॉग डाला नहीं है पहले का, और एक डाला था छोटा सा रील टाइप, तो उसमें भी अच्छा सपोर्ट मिला था, देखा था मैंने। तो ऐसे ही अभी ये जो आपके वीडियो वगैरह ब्लॉग आएंगे ना, उसमें भी एकदम ढांसू वाला बवाल मचा दो पूरा, तो ऐसा कर दो। और ऐसे भी खतरनाक वाले ब्लॉग आते रहेंगे, राइडिंग के आएंगे, ऐसे ट्रैवल ब्लॉग्स भी आएंगे, इन्फॉर्मेशन भी आएंगे। बाकी तो बोलना थोड़ी पड़ता है यार, बिहार के लोगों को आतंक मचा ही देते हो, छाप दो पूरा छपा छप। बाकी तो देख लो आज क्या होता है, प्लान वगैरह, मार्केट वगैरह थोड़ा घुमाते हैं, रोड पे सीन वगैरह दिखा रहे हैं, साइट सीनिंग देखते हैं आगे। सामने वो ट्रैक देख रहे हो, वो बुलेट ट्रेन का ट्रैक है, इधर मुंबई अहमदाबाद, ऑल ओवर इंडिया में सब यही पास हुआ है। अभी दिल्ली अयोध्या भी होगा, लेकिन वो कब होगा पता नहीं, मतलब स्टार्ट यहीं से हुआ है अभी, मेन यही है। Thank you.
जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये वारली पेंटिंग है, जैसे अपने यहाँ होता है ना मधुबनी पेंटिंग, जैसे अपने यहाँ फेमस होता है बिहार में, ऐसे ही यहाँ का फेमस है वारली पेंटिंग। ये पूरा वर्ल्ड में मतलब ये सब फेमस है, जैसे मधुबनी का है ना उसी जैसा, ये जो पूरे दीवार पे ना वारली पेंटिंग पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है ये। और ये जो पेंटिंग बनाते थे वो, ये पेंटिंग अभी भी बहुत लोग बनाते हैं, पता है पहले भी मतलब बनाते थे, अपने घर में भी बहुत सारे लोग हैं, दो चार लोग हाँ वो भी एक नंबर बनाते हैं ये पेंटिंग, लेकिन ये सब नहीं बना पाते, बहुत कम ही लोग हैं जल्दी नहीं बना पाते। टूरिस्ट प्लेस है ना, दूधनी है ना तगड़ा टाइप एकदम। आपका फर्स्ट वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे वही था ना? मेरा फर्स्ट व्लॉग था दूधनी का, जो कि कोई भी काम का नहीं था लेकिन व्यू बहुत ज्यादा आया था। जरूर लाल वाला बटन है ना, व्हाइट हो जाना चाहिए बेल आइकन को, समझ गया ना आप? चलो।